हेलो गाइस, आज मैं आपको डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड 5 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रकार बहुत ज्यादा सैड था, उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और कहता है, मैं एक लूजर हूँ, मेरे सामने जो इंसान था उसे भी मैं बचा नहीं सका। तो नज उसे समझाते हुए कहती है, तुम अपने आप को ब्लेम मत दो। तो प्रकार कहता है, तुम समझ नहीं सकती, मेरे लाइफ में ऐसे कुछ लोग ही थे जो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर अब उनको मेरी जरूरत है, फिर भी मैं उनकी हेल्प नहीं कर सका, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका, इवन उसके सिस्टर को भी बचा नहीं सका। और वो ड्रिंक करने लगता है। नौज उसे रोक कर कहती है, प्लीज प्रकाय ऐसा मत करो, ज्यादा ड्रिंक मत करो। प्रकाय ड्रिंक और रोटन फिश मांगने लगता है। तो नौज कहती है, अब ऑर्डर मत दो। तभी उसे एक नर्स का कॉल आता है। वो कहती है, डॉक्टर नौज जल्दी आए, आपके पेशेंट फिर से सीजर करना चाहते है। तो नौज शॉक होती है और उसे कहती है, मैं आती हूँ, तब तक तुम उसका ध्यान रखो। नौज जल्दी से वहां से जाने लगती है। तो प्रकांत के तय सब मेरे वजह से परेशान है। तो नज उसे समझाते हुए कहती है, प्रकांत ऐसा कुछ नहीं, खुद को दोष देना बंद करो, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, क्या तुम सुन रहे हो? तो प्रकांत उसे पुश करके कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, तो किसका फॉल्ट है? तो नज कहती है, वो बात पहले से ही हो गई, चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल में भी जाना है, और ये ड्रिंक करना बंद करो, तुम्हें क्या हुआ है? तभी वह फिर आता है और कहता है, मैं उसे संभालता हूँ। तो नज कहते है, दुआ तुम? तो फिर कहते है, अब जाए, मैं देखता हूँ। प्रकांत दुआ को गुस्से से देखने लगता है। नज वहां से चले जाते है। प्रकांत कहते है, क्या उसकी गलती थी, ये सब उसके वजह से हुआ है क्या? और वो दुआ को गुस्से से देखने लगता है और खड़ा होकर उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज जितने भी डेथ हुए वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है क्या? तुम और कितना चाहते हो? तो दुआ के तय, डॉक्टर तुम ड्रंक हो गए हो, चलो हमें घर चलना चाहिए, और उसका हाथ पकड़ता है। तो प्रकाश उसका हाथ हटाता है और कहता है, तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ते हो? और वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे तो मुझे किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी के मरने का दुख था, मैं मेरी लाइफ मेरे तरीके से हैंडल करता था, पर जब तुम आए हो मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और वो रोने लगता है और फिर से ड्रिंक करता है और कहता है, तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय की है। और वो वही गिर जाता है। तो फिर उसे संभालता है। प्रकांत की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। नती अपनी शिफ्ट खत्म करके रूम पर जा रहा था, तभी वह स्कूटर चलाते हुए किटा आता है और उसके सामने रोक देता है। नती कहता है, क्या तुमने किसी और से ड्राइविंग लाइसेंस लिया है क्या? तो किटा कहता है, सॉरी पर इस स्कूटर के ब्रेक में प्रॉब्लम हो गई है। तो नती कहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? तो किटा कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने लॉन्ग शिफ्ट किए, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो नती उसके स्कूटर की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं सेफली घर पहुंच सकता हूँ? तो किटा कहता है, मेरे बोन रॉड का इंसर्ट मत करो, बोन रॉड उसके स्कूटर का नाम है। और वो उसे हेलमेट देता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुमने लॉन्ग शिफ्ट किए तो तुम्हारे पैर दर्द करे होंगे। तो नती कहता है, ओके ठीक है, और वो स्कूटर पर बैठ जाता है। तभी किटा को डॉक्टर प्रकांत के फोन से कॉल आता है। तो किटा कहता है, हेलो डॉक्टर प्रकांत, क्या बात है? तो फिर कहता है, डॉक्टर प्रकांत ड्रंक होकर यहाँ गिरे, तो क्या तुम उन्हें घर छोड़ सकते हो? तो किटा कहता है, मैं अभी वहाँ आ जाता हूँ। और वो कॉल कट कर देता है और नती को कहता है, सॉरी मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ सकता। तो नती स्कूटर से उतर जाता है, उसे बुरा लगता है। किटा वहाँ से चला जाता है। वो टैक्सी से प्रकांत को घर लेकर आता है। फिर उन्हें देख रहा था, तभी वह खेत आता है और कहता है, मिस्टर सोरीपर क्या हुआ है, तुम पूरी रात कहाँ थे? घर चलो, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ घर शेयर कराओ ताकि तुम्हें रेंट देने के लिए हेल्प हो जाए, पर तुम तो घर ही नहीं रहते। तो फीके तय, मैं हमेशा यही रहता हूँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रकाय अपने केबिन में होता है, तभी उसकी नजर फ्लावर प्लॉट पर पड़ती है जिसमें व्हाइट कलर के फूल रखे थे। फिर उसे बाहर से देख रहा था। प्रकाय को वो फूल बहुत ही पसंद आते, उसे देखकर फिर भी खुश होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर कहता है, मुझे लगता है मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसके कारण हमेशा दूसरों को डिसअपॉइंट ही मिलता है, मुझे पता है मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा काम है, पर अभी मैं इतना सैड क्यों? तो खेत कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे जब प्रकाय को होश आता है तो देखता है वो अपने घर में था और उसका सिर बहुत ही दुख रहा था। वो नीचे आता है
तो वहाँ किटा था, तो उसे कहता है तुम यहाँ कब आए। तो किटा कुछ भी जवाब नहीं देता और उसे हॉट मिल्क देता है जिससे उसका हैंगओवर हो जाए। प्रकार उसे थैंक्स कहता है। किटा कहता है कल रात मुझे एक लड़के का कॉल आया था, उसने कहा तुम बार में हो, पर जब मैं वहाँ पहुँच गया था तब तुम बहुत ही ड्रंक हो गए थे और बेहोश हो गए थे। तो मैंने स्टाफ से उसके बारे में पूछा पर उन्होंने कहा यह तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। तो प्रकांत को समझ आ जाता है वो भी था। किटा कहता है क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। तो प्रकांत कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, और उसे फिर से थैंक्स कहता है और कहता है मैं अब ठीक हूँ तो तुम घर जा सकते हो। तो किटा कहता है डॉक्टर नर्स ने कहा है जब आप उठकर रेडी होकर हॉस्पिटल जाएंगे तो बता देना, उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया। तो प्रकांत कहता है क्यों क्या हुआ है। बाद में नर्स स्टाफ रूम में बैठी थी तभी वह प्रकांत आता है और कहता है किटा ने बताया तुम मुझे मिलना चाहते हो क्या हुआ है। तो नर्स कहते यहाँ आ जाओ। तो प्रकांत वहाँ जाता है। नर्स कहते ये गिफ्ट आए। तो प्रकांत कहता है क्यों। तो नर्स कहते कल बास की सर्जरी हो गई है। तो प्रकांत कहते हैं मुझे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। तो नर्स कहते पर तुम्हें करनी चाहिए, बास की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। तो प्रकांत कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, बास पहले से ही मर गए और उसके सिस्टर भी, और मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो नर्स कहते तुमने अच्छा काम किया है, इवन वो दोनों मर गए फिर भी, क्योंकि बास ने अपनी पूरी बॉडी डोनेट की थी जिसे बहुत लोगों की जान बचे। तो प्रकांत शौक होता है। तो नर्स कहते मेरी बात सुनो, बास के सिस्टर की जान बची नहीं है पर उसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें उसके ऑर्गन्स मिले जिसके कारण आज वो जिंदा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो प्रकांत कुछ कहने ही वाला था तो नर्स कहते अब तुम्हें समझ में आ ही गए तो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। तो प्रकांत कहता है ये सब मेरे वजह से नहीं हुआ है, ये सब दुआ के वजह से हुआ है। तो नर्स कहती है दुआ पर कैसे, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब उसने तुम्हारे लिए किया है। दुआ सच में एक अच्छा पर्सन है, वो हमेशा तुम्हारी हेल्प करता है, इवन कल भी वो तुम्हारे केयर कर रहा था। पर मुझे ये देखकर अजीब लगा कि उसने किटा को क्यों कॉल करके तुम्हें घर ले जाने के लिए कहा, मुझे लगा वो खुद तुम्हें घर छोड़ देगा क्योंकि तुम नेबर्स हो। तो प्रकांत कहता है क्योंकि मैं उसके साथ अच्छा नहीं हूँ। तो नर्स कहती है तुमने उसे ऐसा कुछ कहा है क्या। तो प्रकांत याद करने की कोशिश करता है और कहता है मैं कल ड्रंक था तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो नर्स उसे स्टूपिड कहती है और बोलती है जब तुम नॉर्मल होते हो तो तुम कितनी बुरी बातें करते हो, कल तो तुम ड्रंक थे तो तुमने उसे क्या क्या कहा होगा, तो उसे अपोलॉजी मांगो और तुमने जो भी किया है उसे सॉर्ट आउट करो, क्योंकि जो बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता पर जो उस बात को सुनता है उसे हमेशा वो चीजें याद रहती है। तो प्रकांत को रियलाइज होता है उसने क्या गलती की है। नति अपना काम कर रहा था तभी वह किटाता है और कहता है क्या हम पिज्जा खाने के लिए जाए क्या। तो नति कहता है क्या डॉक्टर प्रकांत फ्री नहीं है क्या। तो किटा कहता है डॉक्टर प्रकांत मेरे साथ क्यों आएंगे, मैं तो तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगनी है। तो नति कहता है क्या तुम्हें पता है जब हम कोई भी प्लान्स नहीं करते तो वहाँ रिजेक्शन मिलता है। तो किटा कहते हैं तुम सच में मुझ पर गुस्सा हो। तो नति कहते हैं मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ मैं तुम्हारे साथ जो भी करता हूँ उसे मेरा टाइम वेस्ट होता है, उसे बेटर मैं अपने टीम को कैसे जितवा सकूं ये सोचना चाहिए क्योंकि एक दिन मुझे रिजेक्ट होना पड़ेगा। और वो अपना काम करने लगता है तभी किटा उसके सामने जो फाइल्स रखे होते हैं उसे देखने लगता है। तो नति जल्दी से उस फाइल को छुपा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। किटा कहता है क्या तुम उसे इतना अपसेट हो क्या। प्रकरण पी के घर के पास जाता है और बार बार उसके गेट पर बेल बजाने लगता है और कहता है तो अभी क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही, प्लीज उसे बातें करो। पी अंदर एक साइड में बैठा था, वो बहुत ज्यादा अपसेट था। प्रकरण बार बार कहता रहता है तो अभी प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है क्या, उसे बातें करो। फिर भी तो अभी बाहर नहीं जाता। तभी वह खेत आता है और कहता है क्या तुम श्योर हो तुम उस डॉग को देखने के लिए नहीं जाओगे। तो फिर कहता है वो डॉग नहीं है, मैं उसे डॉग कहता हूँ। तो खेत कहता है जो भी है पर तुम उसे मिलने के लिए नहीं जाओगे क्या। तो फिर कहता है मैंने डिसीजन ले लिया, मैं उसे देखने के लिए नहीं जाऊंगा, यही वो तरीका है जिससे वो हैप्पी रह सकता है। प्रकांत सैड होके वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।